इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट दिल्ली ने दो कंप्लेंट्स फाइल की एसीएमएम साहब की कोर्ट में। पहली कंप्लेंट में समन हुए, डेट लगी, हम अपेयर हुए और उस दिन केजरीवाल साहब जो एक्यूज्ड है वो वीसी से अपेयर हुए और हमने कोर्ट को ये अश्योर किया कि अगली डेट पर वो पेश हो जाएंगे। इसके बाद दूसरी कंप्लेंट ईडी ने फाइल की, उसमें भी जज साहब ने सबनिंग ऑर्डर किया सीएमएम ने और दोनों केसों की तारीख इस शनिवार की अपियरेंस के लिए कोर्ट में दी। दोनों जो ये ऑर्डर हैं, जो समनिंग ऑर्डर हैं, ये कानून के अंदर रिवाइजेबल ऑर्डर हैं। अगर कोई भी व्यक्ति जिसको एक्यूज बनाया है, समन किया, अगर वो संतुष्ट नहीं है और उसको लगता है कि ऑर्डर लीगल नहीं है तो उसके रिवीजन फाइल कर सकता है। तो हमने सीआरपीसी 397 सेक्शन के तहत दोनों ऑर्डर्स को चैलेंज किया, अलग अलग दो रिवीजन फाइल की, जो आज स्पेशल जज मिस्टर राकेश श्याल, स्पेशल जज राउज एवेन्यू में आज 2 बजे के लिए लिस्टेड थी। जो ईडी की तरफ से भी एएसजी भी प्रेजेंट थे और हमने एक कंप्लेंट जो पहले फाइल हुई थी उसमें आज आर्ग्यूमेंट हुई और कल दूसरी जो रिवीजन है उसमें कल आर्ग्यूमेंट होंगे। जो हमारे को 174 आईपीसी की अवहेलना के जुर्म में मिस्टर केजरीवाल को समन किया है उसमें अगर सजा होती है तो मैक्सिमम 1 महीने की सिंपल इम्प्रिजनमेंट या 500 रूपये फाइन या दोनों भी हो सकते हैं। ये मैक्सिमम है और हमने आज प्ली ली कि कानून के तहत जो कंप्लेंट फाइल हुई है ये उस ऑफिसर ने फाइल नहीं की जिस ऑफिसर ने 3 समन दिए थे और जिसका हमने जवाब दिया था और उनके हिसाब से हम पेश नहीं हुए। हमारा ये कहना था कि हमने जो जवाब दिया उनको बताया कि हम क्यों नहीं पेश हो सकते, तो हम जानबूझकर इंटेंशनली हम उन समन्स की अवहेलना नहीं की है। पर आज बेसिकली हमने प्ली ली कि जो ऑफिसर संदीप शर्मा जिसने ये कंप्लेंट फाइल की है वो ऑफिसर नहीं है जिसने पहले 3 समन हमारे को दिए थे, वो मिस्टर जोगिंदर सिंह थे आईओ जिन्होंने समन दिए थे, उनकी तरफ से कंप्लेंट फाइल नहीं हुई। तो सीआरपीसी 195 कहता है कि वही कंसर्न ऑफिसर कंप्लेंट फाइल कर सकता है जिसके ऑर्डर की अवहेलना करके वो व्यक्ति पेश ना हुआ। तो जज साहब ने वो सुनकर आज और दूसरी तरफ से अपोजिशन हुआ, उनका कहना था कि नहीं, जो दूसरा ऑफिसर है जिसने कंप्लेंट फाइल की है वो भी सक्सेसर ऑफिसर था या वो भी आईओ था इस केस का, तो वो कंप्लेंट फाइल कर सकता था। और भी कई टेक्निकल बहस हुई है जो कल जज साहब ने दूसरी रिवीजन पे बहस सुननी है और फिर एक ऑर्डर करेंगे। हमने ये भी रिक्वेस्ट की कि जब तक आप रिवीजन का फैसला नहीं कर सकते तो जो शनिवार को प्रोसीडिंग है एसीएमएम साहब के सामने उसको स्टे कर दिया जाए या जो पटिशनर है मिस्टर अरविंद केजरीवाल उनको व्यक्तिगत रूप से अपियर होने से एग्जम्प्ट किया जाए, क्योंकि 1 महीने की सजा में 205 सीआरपीसी में भी ये प्रावधान है कि जब समन दिए जाते हैं तो ये कहा जा सकता है कि वो स्वयं या वकील के थ्रू पेश हो सकते हैं। तो अब बाकी कार्रवाई कल होगी जो आपको